2024 का फर्स्ट क्वार्टर खत्म हो चुका है और सच में इस बार क्वालिटी कंटेंट की कोई कमी नहीं रही है। इस फर्स्ट क्वार्टर की मस्ट वॉच इंडियन सीरीज, नेटफ्लिक्स सीरीज और रिकॉर्ड ब्रेकिंग मूवी सब कुछ कवर करने के बाद आज हॉलीवुड मूवी लवर्स के लिए एकदम कड़क माल में लेकर आया हूं। वो मूवी फैंस जिनके लिए लैंग्वेज नहीं सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी कॉन्टेंट मैटर करता है, उन्हीं के लिए है आज का ये स्पेशल वीडियो, जहां जनवरी से लेकर मार्च 2024 की सबसे ऑसम 7 बेस्ट हॉलीवुड वेब सीरीज मिलने वाली है। अब इनमें हिंदी डबिंग की तो गारंटी नहीं है, लेकिन क्वालिटी एंटरटेनमेंट 100% गारंटीड है। तो चलिए फिर आज की ये क्वालिटी राइड जल्दी से शुरू करते हैं। नंबर 7 पर है एक रियल हिस्टोरिकल हाईवे रॉबर की बिल्कुल ही फिक्शनल और हिलेरियस स्टोरी, जो फ्रेंडशिप एंड पैशन की फनी जर्नी दिखाती है, वो भी कुछ इनक्रेडिबली फनी कैरेक्टर्स के साथ। 1 मार्च को रिलीज हुई कॉमेडी सीरीज द कम्प्लीटली मेड अप एडवेंचर्स ऑफ डिक टर्पिन। भाई ये कहानी है रियल हिस्टोरिकल फिगर डिक टर्पिन की, जो एक हाईवे मैन था। अभी सीरीज की स्टोरी बिल्कुल फिक्शनल और हिलेरियस है, क्योंकि इसमें चुड़ैल से लेकर एक भूतिया घोड़ा गाड़ी तक सब कुछ मिलेगा। फनी एडवेंचर्स की इसमें कोई कमी नहीं है। अब देखो, हर सीरीज परफेक्ट तो नहीं होती, इसीलिए कुछ इस सीरीज में भी है, लेकिन उन सब के लिए कंप्लीटली मेकअप करते हैं इस सीरीज के इनक्रेडिबली फनी कैरेक्टर्स एंड वियर्ड स्टोरी लाइंस, जो एकदम अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स में भी फन और कॉमेडी का बिल्कुल हाई डोज तुम्हें देने वाले हैं। लेकिन जो चीज इस सीरीज को सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग बनाती है, वो है इसकी यूनिक एंड परफेक्ट परफॉर्मेंसेस। अगर ये फन राइड तुम एंजॉय करना चाहते हो, तो फिर डिक टर्पिन की इस जर्नी को तुम एप्पल टीवी प्लस पर इंग्लिश में एंजॉय कर सकते हो। नंबर 6 पर है एक प्रीक्वल कॉमेडी सीरीज जिसकी डिमांड तो किसी ने नहीं की थी, लेकिन जब ये सीरीज आई तब इसने अपने कैरेक्टर्स और ब्रिलियंट कॉमेडी की वजह से सबका दिल जीत लिया है। 11 जनवरी को रिलीज हुई सीरीज टेड हमें 2012 में रिलीज हुई फिल्म टेड की पास्ट स्टोरी दिखाती है। हमारे फेवरेट टॉकिंग टेडी बेयर और टीनेज जॉन की फ्रेंडशिप और उनकी फैमिली की कहानी शुरुआत से दिखाती है। टेड सिंपली एक ऐसी कॉमेडी सीरीज है जिसकी हम सबको बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि आज के टाइम पे भैया सभी कॉमेडी मूवीज एंड शोज बिल्कुल बोरिंग फील होने लगे हैं। ऐसे टाइम में ये सीरीज नॉटी जोक्स एंड वियर्ड ह्यूमर दिखाती है, वो भी एक हर्टफेल्ट स्टोरी एंड रिलेटेबल कैरेक्टर्स के साथ, जो इस सीरीज की कॉमेडी को और भी ज्यादा रियल और हिलेरियस बना देते हैं। अब वैसे ये कहने की बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी कहना पड़ेगा कि अपने छोटे से बजट में भी ये सीरीज एक सीजीआई टेडी को भी रियल जैसा फील करवा देती है। देखो, अगर क्लासिक कॉमेडीज तुम्हें पसंद है और टेड मूवी भी तुम्हें पसंद है, तो फिर इंतजार मत करो, जियो सिनेमा पर जाकर इस सीरीज को एंजॉय करो, वहां पर ये इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 5 पर है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंथोलॉजी क्राइम थ्रिलर सीरीज का नया सीजन, जो इस HBO सीरीज को एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर देने में फाइनली कामयाब हो चुका है। मैं बात कर रहा हूं 14 जनवरी को शुरू हुई सीरीज ट्रू डिटेक्टिव एंड उसके लेटेस्ट सीजन नाइट कंट्री की, जो हमें 2 पुलिस इंस्पेक्टर्स की कहानी दिखाता है, जो एक स्ट्रेंज डिसअपीयरेंस की जांच कर रहे हैं। अब ये स्ट्रेंज केस कुछ ऐसा है कि 8 लोग बिना किसी क्लू के मिस्टीरियसली गायब हो गए हैं, और अब ये कॉम्प्लिकेटेड केस हमारे ट्रू डिटेक्टिव्स को सॉल्व करना है। अब इस नए सीजन में कुछ कमियां तो हैं, जैसे कि इसकी पेस थोड़ी स्लो है और इसके कुछ कैरेक्टर्स भी थोड़े बहुत अनोइंग हैं, लेकिन जो चीज इन माइनर प्रॉब्लम्स के लिए टोटली मेकअप करती है ना, वो है इसकी इंटेंसली थ्रिलिंग स्टोरी और उसकी मिस्ट्री, जो शुरू से लेकर एंड तक तुम्हें बांध कर रखेगी। और फिर इस सीरीज के जो विजुअल्स हैं, वो इसकी डार्क मिस्ट्री को पूरा अंदर तक फील करवाते हैं। क्राइम सॉल्विंग थ्रिल अगर एंजॉय करना है, तो फिर ट्रू डिटेक्टिव नाइट कंट्री को तुम जियो सिनेमा पर हिंदी में एंजॉय कर सकते हो। नंबर 4 पर है एंजेलिना जॉली और ब्रैड पिट की हिट फिल्म एंड एक क्लासिक टीवी सीरीज की मॉडर्न रीमेक, जो हमें स्पाई एंड एस्पियोनाज के साथ साथ एक लव स्टोरी भी दिखाती है, और इसीलिए ये एकदम डेडली कॉम्बो बन जाती है। 2 फरवरी को रिलीज हुई सीरीज मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ हमें 2 हाईली ट्रेंड पीपल की कहानी दिखाती है, जो एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, उनके लिए स्पाई का काम करते हैं, और वही ऑर्गेनाइजेशन उन्हें अंडर कवर असाइनमेंट देती है एक मैरिड कपल का रोल प्ले करने के लिए, और यहीं से भैया असली गेम शुरू होता है। मिस्टर एंड स्मिथ एक काफी वेल मेड और हाई बजट सीरीज है, जो काफी एक्सप्लोसिव और लाउड हो सकती थी, लेकिन ये सीरीज अपना मेन फोकस रखती है रिलेशनशिप पर, जो कुछ मोमेंट्स में थोड़ा वियर्ड और थोड़ा स्लो भी फील होता है। लेकिन जो चीज इसकी इन छोटी मोटी वीकनेसेस के लिए मेकअप करती है, वो है इसकी ड्राई एंड विटी कॉमेडी, जो इसके कैरेक्टर्स को भी काफी एंटरटेनिंग बना देती है, और ऊपर से इसमें थोड़ा बहुत जो एक्शन सीक्वेंसेस हैं, वो काफी ज्यादा वेल कोरियोग्राफ्ड है, तो उन्हें देखकर तो भैया मजा ही आ जाता है। आप मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ को प्राइम वीडियो पर हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम किसी भी लैंग्वेज में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 3 पर है वर्ल्ड वॉर 2 बेस्ड सीरीज, जो हमें ट्रू हीरोज की बहुत ही एंटरटेनिंग कहानी दिखाती है, जिन्होंने हिटलर के खिलाफ लड़ाई हवा में लड़ी थी। 26 जनवरी को रिलीज हुई सीरीज मास्टर्स ऑफ द एयर हमें वर्ल्ड वॉर 2 के एयरफोर्स हीरोज की कहानी दिखाती है, जो डेडली प्लेन्स में दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई को हिटलर के गेट्स तक लेकर जाते हैं। भाई जो चीज इस सीरीज को सबसे ज्यादा स्पेशल बनाती है ना, वो है इसके प्रोड्यूसर स्टीवन स्पिलबर्ग एंड टॉम हैंक्स, जिन्होंने अपने आर्ट की लेजेंडरी अप्रोच को इस सीरीज के पीछे भी लगाया।
लगा है। भाई इस सीरीज में कोई भी वीकनेस तुम्हें मुश्किल से ही देखने को मिलेगी, क्योंकि इसकी स्टोरी बहुत ही जेन्युइन एंड इंस्पायरिंग होने के साथ साथ काफी ज्यादा हॉरिफाइंग भी है, जो हमें वॉर के ट्रू कलर्स दिखाने में सही से कामयाब होती है। इसके कैरेक्टर्स भी इंस्पायरिंग है, और चेरी ऑन द केक है इसके वंडरफुल विजुअल्स, जो इसके हर मोमेंट को इमेंसली इंटेंस बनाते हैं और इसकी कहानी को, इसके कैरेक्टर्स को पूरा अंदर तक फील करने का मौका देते हैं। अगर तुम वॉर मूवीज के फैन हो तो फिर एप्पल टीवी प्लस पर इंग्लिश में अवेलेबल इस अमेजिंग शो को बिल्कुल भी मिस मत करना। नंबर दो पर है मोस्ट पॉपुलर सुपर हीरो सीरीज का हाईली एंटिसिपेटेड सेकंड सीजन, जो आपको एक ब्लड फिल्ड इंटरगैलेक्टिक एडवेंचर पर लेकर जाएगा। और इस बार भैया इंटरगैलेक्टिक होने के साथ साथ ये मल्टीवर्सल भी बन चुका है। 14 मार्च को रिलीज हुआ इनविंसिबल सीजन 2 का पार्ट 2 हमें मार्क ग्रेसन के हीरोइक एडवेंचर को और भी ज्यादा डार्क एंड ब्लडी होते हुए दिखाता है, जिसमें ओमनी मैन का एक बहुत ही बड़ा रोल है। अब भैया इस सीजन 2 में कुछ वियर्ड प्लॉट पॉइंट्स तो मिलेंगे, लेकिन उनमें से कोई भी बेकार या फिर अनएंटरटेनिंग नहीं है। और फिर इस अडल्ट एनिमेटेड सुपर हीरो सीरीज में काफी सारे ब्रिलियंट और हार्टफेल्ट मोमेंट्स भी देखने को मिल जाते हैं। इसका वर्ल्ड अब दूसरे सीजन के बाद और भी ज्यादा डेंजरस और बड़ा हो चुका है, लेकिन ये सीरीज अपनी ओरिजिनल फील एक सेकेंड के लिए भी खोती नहीं है, जो इनविंसिबल को वन ऑफ द बेस्ट सुपर हीरो कॉन्टेंट टू वॉच नाउ बनाता है। क्योंकि देखो अब मार्वल तो अपना मैजिक खो चुका है और जेम्स गन का डीसी स्टार्ट होने में टाइम लगाएगा, तो अभी इस टाइम पर इनविंसिबल बॉयज से ही काम चलाना पड़ेगा। तो भैया इस अमेजिंग सीजन 2 के पार्ट 2 को तुम प्राइम वीडियो पर हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम किसी भी लैंग्वेज में एंजॉय कर सकते हो। नंबर 1 पर एक बहुत ही इनक्रेडिबली थ्रिलिंग एंड ब्यूटीफुली शॉट हिस्टोरिकल शो है, जो आपको एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस देने वाला है। 27 फरवरी को शुरू हुई अमेजिंग सीरीज शोगन, ये ईयर 1600 के टाइम पे जापान में सेट है, जहां इसमें हम देखते हैं लॉर्ड योशी की कहानी, जो फंसे हुए हैं पॉलिटिकल इंट्रीग में, जो कभी भी एक डेडली वॉर की शेप ले सकती है। और उसमें ऊपर से एक मिस्टीरियस इंग्लिश शिप का कैप्टन भी इस पॉलिटिकल गेम के बीचों बीच आकर खड़ा हो गया है। भाई इस सीरीज के टोटल स्कोप और इसकी एक्सीलेंस को किसी भी तरीके से सिर्फ एक वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये सीरीज का हर एक शॉट हमें एक स्टोरी बताता है, एंड हर एक कैरेक्टर बेसिकली इतना कॉम्प्लेक्स और लेयर्ड है कि की अलग से एक स्पिन ऑफ सीरीज बन सकती है। अब तुम खुद अंदाजा लगाओ कि स्टोरी वाइज और कैरेक्टर वाइज ये सीरीज 100% क्वालिटी कंटेंट है या नहीं। मेरे अकॉर्डिंग तो इसे मास्टरपीस कहना गलत नहीं है। अब अगर तुमने ये सीरीज देखी है तो अपना ओपिनियन कमेंट में बताओ, और अगर अब तक इसे नहीं देखा है तो ये मस्ट वॉच सीरीज डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर इंग्लिश में अवेलेबल है, वहां जाकर तुम इसे पूरा एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो भाई लोग ये है 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की वो हॉलीवुड सीरीज जो 100% मस्ट वॉच है। अब अगर तुम्हें लगता है कि इनसे भी ऑसम कोई सीरीज है जो मैंने मिस कर दी है, तो फिर कमेंट में जाके वो सबको रिकमेंड करो, क्योंकि चाहे जो हो जाए क्वालिटी एंटरटेनमेंट भैया रुकना नहीं चाहिए। इसीलिए कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्वालिटी मूवीज और वेब सीरीज के साथ ये एंटरटेनमेंट राइड हमेशा इसी तरह बेस्ट मूड पे चलती रहेगी। तो बस जाने से पहले वीडियो को लाइक करना और शेयर करके इसे ट्रू मूवी फैंस तक जरूर पहुंचाना। अब अगर तुम 2024 में नेटफ्लिक्स की बेस्ट सीरीज जानना चाहते हो तो लेफ्ट वाला वीडियो देखो। तो बस आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे एक और ऑसम वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।